बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर है हमारे पास 3, उसका रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में यूज़फुल साबित हो सकते हैं। पहली चीज़ लिखी हुई है नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको याद होगा, अपर और लोअर ट्रायंगुलर दो तरह के ट्रायंगुलर मैट्रिसेस थे। अब फ़र्ज़ कर लें, अक्सर वो पूछ लेता है कि जी पेपर के अंदर नंबर ऑफ़ जीरोस बताएं। अगर तो 3x3 ऑर्डर का हो या 4x4 ऑर्डर का हो तो बंदा खुद से बना के भी चेक कर लेता है, लेकिन अगर वो कह दे कि 50 ऑर्डर का है, यानी 50x50 का, तो उसके लिए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ जीरोज़? उसका फार्मूला है n(n-1)/2। n यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वेयर मैट्रिक्स के ऑर्डर को, ठीक है जी। अब जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। फार्मूले में चेक करते हैं कि क्या फार्मूला इसको फुलफिल करता है। इसका ऑर्डर है 4x4, एन की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 2 से कैंसिल हुआ, 2 आ गया, 4-1 3, 3 2 6, ठीक है जी। इसी तरह ये मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है? 3। इधर पुट करेंगे 3-1 2, 2 2 से कैंसिल, 3 आ गया, तो नंबर ऑफ़ जीरोज इसमें कितने? 3। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एमसीक्यूज़ के हवाले से। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स ऐसा मिल जाए हमें कि उसका स्क्वेयर लेने से यानी उस मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और दोबारा रिजल्टेंट के तौर पर वो मैट्रिक्स खुद ब खुद बन जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 2-2-4-1-3-4, 1-2-3, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर इसका दोबारा इट्सेल्फ ये खुद बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, अगर एक मैट्रिक्स का स्क्वेयर लिया जाए और आंसर उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, ठीक है जी। इस बात को आपने खास तौर पर याद रखना, ये जो टेक्निकल पॉइंट्स बता रहा हूँ। इनवॉलंटरी में क्या होता है कि स्क्वेयर मैट्रिक्स का स्क्वेयर उसके आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। आइडेम्पोटेंट में क्या होता है, उसका स्क्वेयर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। लास्ट वन निलपोटेंट मैट्रिक्स, नाम से जाहिर है कि नल मैट्रिक्स जो आप आना चाहिए। कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको आप पावर्स में मल्टीप्लाई करते चले जाएं और कहीं ना कहीं पहुंच के आपका आंसर क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स। और उसकी जिस पावर पे जाके वो नल मैट्रिक्स बन जाता है उसे हम कहते हैं निलपोटेंसी इंडेक्स। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है कुछ ट्रिकी मेथड है डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करने के, जिसे हम सारस रूल के नाम से याद रखते हैं। लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए रोज़ या कॉलम्स ऑपरेशन के जरिए वर्किंग की थी कि हम एक्सपेंड कर देते हैं रोज़ के जरिए या किसी एक कॉलम के जरिए, ठीक है जी। अब सारस ऑपरेशन क्या है, ये एक शॉर्टकट टेक्निक है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने की। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आ रही हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो की वैल्यूज़ लिखी a1 b1 c1, फिर फर्स्ट रो की लास्ट फर्स्ट टू वैल्यूज़ लिख ली a1 b1, फिर इसी तरह सेकेंड रो की a2 b2 c2, फिर a2 b2, फिर a3 b3 c3 a3 b3। अब सबसे पहले मैंने ग्रीन लाइन शो की हुई है, ग्रीन एरो शो कर रहे हैं कि आपने सबसे पहले इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। इस डायगनल को मल्टीप्लाई किया प्लस इस डायगनल को मल्टीप्लाई किया प्लस फिर इस डायगनल को मल्टीप्लाई कर लिया, और ये जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं इन डायगनल्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो साथ इनको माइनस करते जाना है। इसको भी, इनको भी, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो आपने इसको खुद से करके देखना है कि एक कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स लेके 3x3 ऑर्डर का या 4x4 ऑर्डर का, उसको रो या कॉलम के जरिए एक्सपेंड करके देखें, दूसरा इस मेथड के जरिए सारस रूल के ज़रिए देखें, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये टेक्निक जो है एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज़ के लिए यूज़फुल साबित होती है। नेक्स्ट है जी ट्रांसपोज़ के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज लिया जाए या दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रांसपोज को सम अप कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है? सेम आता है। इसी तरह एक कांस्टेंट नंबर या स्केलर नंबर है उसको मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें या मैट्रिक्स और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लिया जाए, दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी तरह दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो है वो उन मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, बल्कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो सेकेंड बन जाता है
और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, यानी ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, नेवर इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए बी सी होल ट्रांसपोज इसको भी हम क्या कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, सी ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, बी ट्रांसपोज है आई सेंटर में वो सेंटर में रहेगा और ए ट्रांसपोज जो है वो लास्ट पे चला जाएगा। इसी तरह एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया जाए, जैसे ये है इसको रो से कॉलम बनाया फिर कॉलम से रो बना दिया तो दोबारा ये ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे स्क्वेयर मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, ऐसे स्क्वेयर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लिए कंडीशन है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, यानी ऐसी एंट्रीज जिनकी रो की पोजिशन कॉलम में चेंज हो जाए और कॉलम की पोजिशन रो में चेंज हो जाए, तमाम ऐसी एंट्रीज आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब जैसे देखें ये तो डायगोनल एंट्रीज है ना, इसकी उसने बात ही नहीं की, ये एंट्री हमारे पास क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ये और ये एंट्री इक्वल होनी चाहिए, क्यों, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में ये इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह ये रो किस एंट्री में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, ये रो किस एंट्री में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है जी, ये इक्वल होनी चाहिए। ये कहाँ पे है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में, तो इसका उल्ट करेंगे तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में बन जाएगी। तो इस चीज़ को आपने एडजस्ट करना होता है कि रो की पोजीशन कॉलम पर आ जाए और कॉलम की पोजीशन रो पर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिसेस बेसिकली क्या कहलाते हैं हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है जी। डायगोनल एंट्रीज में इसमें किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, यानी जिनकी रो और कॉलम की पोजीशन आपस में एक दूसरे के उलट है, वो दोनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास है एंट्री ये 4 तो ये माइनस 4, ये 5 तो ये माइनस 5, ये 3 और माइनस 3, क्लियर होगी बात। और दूसरी एंट्री क्या लिखी हुई है, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे, जब आई और जे आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये एंट्रीज कहाँ पर आ जाती हैं, जैसे ये ए 11 है, ये ए 22 है, ये ए 33 है, यानी डायगोनल एंट्रीज। आई इक्वल्स टू जे का मतलब क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज। इस केस में अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ये वैल्यूज आ जाती हैं, तो अगर गौर करें तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। फिर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज, वो क्या क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ए को जब ए ट्रांसपोज में ऐड किया जाता है तो उससे आने वाला आंसर क्या है, सिमेट्रिक। इसी तरह ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास जो नया रिजल्ट बनता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। याद रखनी ये बातें, किस मैट्रिक्स के लिए होल्ड कर रही हैं, एक तो सिमेट्रिक हो साथ साथ स्क्वेयर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन ए प्लस बी और ए माइनस बी सो, मतलब कि अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी की जो एडिशन है वो भी सिमेट्रिक है, अगर ए और बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनको माइनस करने से जो आंसर आएगा वो भी क्या बनेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। मींस ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए प्लस बी के इक्वल आएगा सिमेट्रिक के केस में, और ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए माइनस बी के इक्वल आएगा स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इस चीज में हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उस केस में क्या है, हम मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और साथ उसका ट्रांसपोज अगर ले लिया जाए तो उसके रिजल्ट पे किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया, दोबारा वो कॉन्स्टेंट इंटू मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया। अगर इसी तरह वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये माइनस के टाइम्स ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब कहने का सिंपल ये है कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्केलर से मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर नेक्स्ट है ए एंड बी इज सिमेट्रिक और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, और लास्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, ए बी इक्वल्स टू बी ए देन ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि फर्ज कर लें ये चीज़ है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके होता है,
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। अब बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी जगह पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज की जगह पे बी, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए आ जाएगा, ठीक है। और बी ए और ए बी आपस में इक्वल है, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है इसको अंडरस्टैंड किस तरह से किया जा सकता है कि ए बी होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट लास्ट में है जी कि अगर हमारे पास B ट्रांसपोज इंटू ए बी जो है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस चीज़ पे कि A क्या है। अगर A सिमेट्रिक होगा तो इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक आएगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इन तीनों चीज़ों का प्रोडक्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा।